Hello, welcome to Sumo Biology. We are going to discuss pedigree analysis problem, pedigree analysis question. तो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे पेडिग्री एनालिसिस से रिलेटेड क्वेश्चंस या पेडिग्री एनालिसिस प्रॉब्लम्स या पेडिग्री एनालिसिस एग्जांपल्स. ठीक है जी. पेडिग्री को कैसे क्रैक करना, इसके लिए मैं एक लेक्चर पहले ही डाल चुका हूँ, लेकिन उस लेक्चर में मैंने क्वेश्चंस डिस्कस नहीं किए थे. तो कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट आई, सर कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाइए. चलिए चालू करता हूँ पेडिग्री एनालिसिस प्रॉब्लम. देखिए, जब भी आपको पेडिग्री आएगी तो पेडिग्री में आपसे यही ज़्यादातर पूछा जाता है, विच टाइप ऑफ ट्रेट इज दिस. मतलब अगर आपसे वो ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो पूछ रहा है कि वेदर इट इज़ अ डोमिनेंट ट्रेट और रिसेसिव ट्रेट. आप जानते हैं, या तो ट्रेट डोमिनेंट होगा या रिसेसिव. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है बेटा कि अगर ये ट्रेट या करेक्टर डोमिनेंट एलील से गवर्न हो रहा तब हम इसको डोमिनेंट ट्रेट बोलेंगे, अगर रिसेसिव एलील से गवर्न हो रहा तब हम इसको रिसेसिव ट्रेट बोलेंगे. अब ये जीन या एलील कहाँ सिचुएटेड है? ऑटोजोम पे तो ऑटोजोमल लिंक डोमिनेंट बोलेंगे, सेक्स क्रोमोजोम पे तो हम उसको सेक्स लिंक डोमिनेंट या सेक्स लिंक रिसेसिव बोलेंगे. ठीक है जी, ये चार कैटेगरी हो गई. सबसे पहले आपने डिसाइड करना है डोमिनेंट ट्रेट है कि रिसेसिव ट्रेट है, फिर आपने डिसाइड करना है कि ये ऑटोजोमल लिंक्ड है कि सेक्स लिंक्ड है. ये सारी बातें आपको पता ही होंगी, नहीं पता तो दो मिनट में बताता हूँ. डोमिनेंट एलील वो होता है जो हिट्रोजाइगस कंडीशन में विच इज़ एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ, जो अपने को दिखा देगा. हिट्रोजाइगस कंडीशन, ऐसी कंडीशन हम लोग डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, हायर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं प्लांट्स और डिप्लॉयड होते हैं. तो हायर एनिमल्स डिप्लॉयड हैं, हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों में हर क्रोमोजोम की दो कॉपी है, उस पर पर्टिकुलर जीन है, उस जीन की अलग अलग जो दो फॉर्म है वो एक दूसरे के एलील है. और ये एलील अगर हिट्रोजाइगस, दोनों एलील अलग अलग हैं दोनों क्रोमोजोम पे, तो ये हिट्रोजाइगस कंडीशन है. अब इस कंडीशन में जो एलील अपने को एक्सप्रेस कर देगा, जो उसके पास जानकारी है उस जानकारी को दिखा देगा, तो वो डोमिनेंट एलील कहलाएगा, दूसरे वाला रिसेसिव एलील कहलाएगा. ये तो हो गया डोमिनेंट रिसेसिव का कॉन्सेप्ट. अब ये ऑटोसोमल लिंक ट्रेट और सेक्स लिंक ट्रेट क्या, देखिए हम लोग की बॉडी में, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में दो तरह के क्रोमोजोम है, ऑटोसोम्स जो सोमेटिक कैरेक्टर को गवर्न करते हैं, और एक ऐसा क्रोमोसोम है जिस पे ऐसे जीन्स हैं जो सेक्स डिटरमिनेशन में रोल प्ले करते हैं, तो उनको हम लोग सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं. तो सेक्स क्रोमोसोम पे केवल सेक्स डिटरमिनिंग आपके जीन्स नहीं है, उसके अलावा कुछ जीन्स ऐसे भी हैं जो सर्टन सोमेटिक कैरेक्टर को गवर्न करते हैं, रेगुलेट करते हैं. तो वो जीन्स, दैट जीन्स विच आर प्रेजेंट ओवर द सेक्स क्रोमोसोम बट टेकिंग पार्ट इन द डिटरमिनेशन ऑफ अ सोमेटिक कैरेक्टर, दो जीन्स आर कॉल्ड सेक्स लिंक जीन्स. उन जीन्स को हम लोग सेक्स लिंक जीन्स, और उस तरह के करेक्टर को जो करेक्टर उनसे गवर्न होता है उनको हम लोग सेक्स लिंक करेक्टर बोलते हैं, और उनकी इनहेरिटेंस को सेक्स लिंक इनहेरिटेंस बोलते हैं. तो अगर कोई जीन सेक्स क्रोमोजोम पे है तो कहलाएगा सेक्स लिंक जीन, उसकी हम लोग भाई ये सेक्स लिंक्ड ऑटोसोमल ट्रेट है ऐसा बोलेंगे, या सेक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट है ऐसा बोलेंगे. ठीक है, तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपसे ही पूछा जाता है कि किस तरह का ये ट्रेट है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है कि ऑटोसोमल रिसेसिव है, कि सेक्स लिंक्ड है कि सेक्स रिसेसिव है, यही आपसे पूछा जाता है. और कहीं कहीं आपसे ये पूछ लिया जाता है जैसे हीमोफीलिया आपका और कलर ब्लाइंडनेस, ये दो बीमारी ऐसी हैं, ये दो करेक्टर ऐसे हैं कलर ब्लाइंडनेस जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है, इनके लिए जीन रिस्पॉन्सिबल जीन सिचुएटेड है एक्स क्रोमोसोम पे, और रिसेसिव एलील की प्रेजेंस की वजह से ये डिजीज आती है. तो ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव करेक्टर्स हैं फीमेल में, तभी ये डिजीज आएगी हीमोफीलिया या कलर ब्लाइंड, जब आपको जेनेटिक मेकअप फीमेल का पता है उसमें दो एक्स क्रोमोसोम है. तो दोनों एक्स पे अगर डिफेक्टिव एलील होगा तभी वो कलर ब्लाइंड होगी, या दोनों एक्स पे हीमोफीलिया का जीन होगा, हीमोफीलिया जिसकी वजह से होगा तभी इस पे हीमोफीलिया से ये बीमार होगी. लेकिन मेल के केस में, मेल का जेनेटिक मेकअप 44 ऑटोसोम प्लस एक्स वाई है, दो सेक्स क्रोमोसोम की कॉपी तो है लेकिन एक एक्स है एक वाई है. तो अगर एक्स पे या सिंगल एक्स पे डिफेक्टिव एलील आ जाएगा, रिसेसिव टाइप भी आ जाएगा, तब भी डिजीज हो जाएगी, क्योंकि उसका काउंटर पार्ट सेम एक्स नहीं है, वाई है, वाई पे जीन्स अलग हैं. तो ये इसको दबाने वाला, जब ये डोमिनेंट एलील है ही नहीं वाई पे, तो ये दबेगा नहीं, अपनी इंप्रेशन दिखा देगा. इसलिए मेल में सिंगल एक्स और उस पर ये रिसेसिव एलील, तो ये बच्चा जो है सन ये कलर ब्लाइंड हो जाएगा. इसी तरह से हीमोफीलिया में भी अगर उसके पास जो सिंगल एक्स है उस पर रिसेसिव एलील है तो बच्चा हीमोफीलिक हो जाएगा. ठीक है जी, इतनी सी जानकारी आप याद रखेंगे तो आप आराम से पेडिग्री कर लेंगे. दूसरी बात, मेल हमेशा अपना एक्स
फादर हमेशा अपना एक्स किसको कंट्रीब्यूट करता है, डॉटर को। फादर से एक्स कभी भी सन में नहीं जाता, क्योंकि एट द टाइम ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन या एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन कहिए, एट द टाइम ऑफ गैमिट फॉर्मेशन, अदर आई शुड से गैमिट फॉर्मेशन के समय ये सेक्स क्रोमोसोम दो में से एक ही गैमिट में जा सकता है। तो आइदर गैमिट में आइदर एक्स होगा और वाई होगा, वो गैमिट जिसमें मेल का स्पर्म जो एक्स कैरी कर रहा है, जब फीमेल के एक्स कैरिंग एग से फ्यूज हुआ तभी वो रिजल्टेंट जायगोट जो बना वो डॉटर बनेगी। और अगर मेल का स्पर्म जिसमें वाई क्रोमोसोम है वो फीमेल के एक्स कैरिंग, फीमेल के पास तो दोनों एक्स हैं, तो फीमेल के एग में तो हमेशा एक्स ही होगा और कोई चांस ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है। फीमेल में तो 100% जब भी एग बनेगा उसमें एक्स ही होगा। तो फीमेल के एग से जब ये स्पर्म फ्यूज हुआ जिसमें वाई क्रोमोसोम है, तो इस तरह का जायगोट जो है सन में डेवलप होगा, सन बनेगा उससे। तो मेल हमेशा अपना एक्स किसको देता है, डॉटर को, ये बात ध्यान में रखिएगा, सन को कभी भी नहीं देता। चलिए अब हम लोग देखें विच टाइप ऑफ ट्रेट इज दिस। देखिए पेडिग्री जैसे ही आपके सामने आए, अभी हम लोग तीन चार लगाएंगे पेडिग्री, सबसे पहले आपने देखना है कि फर्स्ट सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन तीन जनरेशन की ज़्यादातर आपको पेडिग्री दी जाती है, बहुत रेयर ऐसा होगा दो जनरेशन की दी नहीं जाती, तीन जनरेशन दी जाती हैं ज़्यादातर। तो आप देखिए कहीं भी कपल हस्बैंड वाइफ, क्या ऐसा सिनारियो है कहीं पे जहाँ पे हस्बैंड वाइफ मतलब पेरेंट्स में डिजीज ना हो, बच्चे में डिजीज हो, किसी भी बच्चे में, यहाँ पांच बच्चे इन्होंने दिखाए एक में है डिजीज, अगर ऐसा है तो ये रिसेसिव ट्रेट है, नो डाउट अबाउट दैट, आपने एक सेकंड में डिसाइड कर लेना है, ठीक है जी। कहीं पे भी भले इनमें डिजीज ना होती किसी में डिजीज होती या इनमें डिजीज ना होती किसी में डिजीज होती, यहाँ पे तीन कपल है, कपल आप सबसे पहले पकड़िए, तीन कपल आपके सामने है, तीन कपल में से इस कपल में फादर में डिजीज है, इस कपल में मदर में डिजीज है, इस कपल में ना फादर ना मदर किसी में डिजीज नहीं है, लेकिन नीचे डिजीज है, भले किसी में हो डॉटर में हो सन में हो, अगर इस तरह का सिनारियो होगा तो ये रिसेसिव ट्रेट है। छूटते ही आपने एक सेकंड में विद इन अ सेकंड आपके सामने पेडिग्री आई, आप समझ गए रिसेसिव ट्रेट है। अब ये एक्स लिंक्ड है कि ये हमारा ऑटोसोमल लिंक्ड है, ये बात आती है, ठीक है, उसको भी हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। ये हमारा सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है, क्यों, इसको आप दोनों ये बीमारी दीजिए और दूसरे वाले सिनारियों में हम उसको लगे हाथ ऑटोसोम के, उससे भी ऑटोसोम को मैं ग्रीन से लिख रहा हूँ और सेक्स वाले को मैं रेड से लिख रहा हूँ। तो देखिए जब इसके बने एग में हमेशा डिफेक्टिव एलील है हर तरह के, इसमें जैसे ही डिफेक्टिव एलील आया, मैंने आपको बोला था कि सिंगल एक्स कैरिंग डिफेक्टिव एलील रिसेसिव एलील सन में डिजीज शो कर देगा, डिजीज शो हो गई, इस वाले सन में भी डिजीज शो हो गई, डॉटर जितनी बनी है इसकी दो, या तो उसमें डिफेक्टिव एक्स इसने कंट्रीब्यूट किया मदर ने, या नॉर्मल एक्स, फादर से तो नॉर्मल एक्स आ ही रहा, फादर पे एक्स जो है डिफेक्टिव एलील कैरी नहीं कर रहा, अगर कैरी कर रहा होता तो यहाँ पे भी डिजीज होती, यहाँ डिजीज नहीं होने का मतलब है फादर का एक्स नॉर्मल है, तो फादर ने अपना नॉर्मल एक्स दिया मदर से, या तो डिफेक्टिव या नॉर्मल, तो ये कैरियर है या क्लियर है, ये कैरियर है या क्लियर है, ये कैरियर है क्योंकि नीचे यहाँ डिजीज आ रही है। अब ये कैरियर है और ये बाहर से जो दामाद साहब आए वो नॉर्मल है, ठीक है। अब इसका ये वाला एक्स, इस वाले सन की बारी, जब ये वाला सन हुआ पांचवी बार, तो इसका एक्स में डिफेक्टिव एलील था, ये वाला एक्स क्रोमोसोम आ गया, ये वाला नहीं आया, चांस की बात है। इस वाली मदर के ये सन बनने के वक्त जब इसमें ओजिनेसिस हुई, एग बना, तो एग में डिफेक्टिव एक्स आ गया, वो एक्स आ गया जो रिसेसिव एलील कैरी कर रहा था, और फादर से वाई आया, देखिए यहाँ पे सिंगल एक्स कैरिंग द डिफेक्टिव एलील, यहाँ डिजीज शो हो गई, बाकी इन सब में मदर से हमेशा एक्स आया है, ऐसा मान सकते हैं आप क्लियर, या डॉटर में आप ये मान सकते हैं डॉटर में डिफेक्टिव और फादर से नॉर्मल, तो या तो ये कैरियर या क्लियर, या ये कैरियर या ये क्लियर, या ये कैरियर या ये क्लियर, लेकिन इस वाले सन की बारी 100% हम कहेंगे कि मदर से इससे हमारा नॉर्मल एक्स आया है और फादर से नॉर्मल वाई आया, तो यहाँ पर डिजीज नहीं आई। ये हो गया आपका एक्स लिंक के लिए, आपको मैंने साबित कर दिया कि ये एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है। अब ये क्या ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर हो सकता है, हम रिसेसिव है ये तो हम लोगों ने देख लिया था, तो ये ऑटोसोमल का केस क्यों नहीं है। ऑटोसोमल के केस में देखिए, जैसे ही हम इसको ऑटोसोमल रिसेसिव का केस देते हैं, नीचे डिजीज तभी आएगी जब आप इसको भी एक डिफेक्टिव एलील हमें देना पड़ेगा,
इसको हमें हिट्रोजाइगस देना पड़ेगा तभी नीचे डिजीज आएगी। अब आप ये देखो ऐसा क्यों करके हुआ कि दोनों बार चार बच्चे हुए, दोनों सन का जो जेनेटिक मेकअप है वो ये है तभी डिजीज शो होगी, इस सन का भी जेनेटिक मेकअप ये है तभी डिजीज शो होगी, लेकिन इसमें ये है भैया इसने अपना डिफेक्टिव एलील देना ही देना है, फादर से डोमिनेंट एलील आया है तभी यहाँ डिजीज शो नहीं हुई इस वाली डॉटर में भी। तो ये हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं, हम लोग कोई वो ज्योतिषी का खेल नहीं पढ़ रहे हैं कि दोनों बार जब सन बना तो दोनों बार सन में तो डिफेक्टिव एलील आ गया ठीक है इस वाले का फादर का, क्योंकि फादर को हिटरोजाइगस कंडीशन हमें देनी पड़ेगी नीचे डिजीज आ जाए, ऑटोसोमल का केस अब डिसाइड कर रहे हैं हम लोग एक्स का नहीं। तो दोनों बार फादर के, फादर ने उसको सन ने डिफेक्टिव एलील दे दिया है और डॉटर में वो नहीं, उसने नॉर्मल एलील दिया। तो ये कोई मतलब गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है, साइंस है, ये लॉजिकली बात हजम नहीं होती, यहाँ पे लॉजिकली बात हजम नहीं होती कि जब भी सन इन लोग का पैदा हुआ है फादर ने डिफेक्टिव एलील दे दिया, होमोजाइगस कंडीशन हो गई डिजीज आ गई, होमोजाइगस कंडीशन हो गई डिजीज आ गई, लेकिन डॉटर जब जब पैदा हुई है तब फादर ने उसको नॉर्मल एलील दिया तो यहाँ पे ये कैरियर हो गई, क्योंकि कैरियर तो होगी अगर हम ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव का केस मान के इसको स्टडी कर रहे हैं तो एक कैरियर तो होगी होगी, क्योंकि मदर से तो एक डिफेक्टिव एलील आना ही आना, मदर पे दोनों डिफेक्टिव एलील है, तो फादर से नॉर्मल एलील आएगा तभी ये बचेगी, यहाँ डिजीज शो नहीं होगी और ये भी तभी बचेगी जब डिजीज शो नहीं होगी। यहाँ तक देखिए, यहीं तक में इफ एंड बट हो गए कि भैया इनका जेनेटिक मेकअप जो है, यहीं तक में हमें लगने लगा कि हम सही दिशा में नहीं जा रहे, कि इनका जेनेटिक मेकअप ये, इसका जेनेटिक मेकअप ये, इस डॉटर का जेनेटिक मेकअप ये, इस डॉटर का जेनेटिक मेकअप ये, अभी तक तो गनीमत थी, अब फिर से एक हमें लोचा हुआ, क्या हुआ कि बाहर से जो दामाद साहब आ रहे हैं उनको भी हमें फिर से डिफेक्टिव एलील देना पड़ेगा तभी नीचे डिजीज शो होगी, यहाँ पे ये कंडीशन आएगी ठीक है जी। तो ये जो हम लोग ये पेडिग्री एनालिसिस करते हैं, मेरी जो डली हुई है वीडियो, उस वीडियो में देखिएगा, हम लोग ये एज्यूम करके चलते हैं कि बाहर से जो इंट्रोड्यूस हो रहा फैमिली में, भले दामाद भले बहू, वो क्लियर आ रही, वो डिफेक्टिव एलील लेके नहीं आ रही, क्योंकि ये रेयर केस है। पेडिग्री जो हम लोग करते हैं, ये जो केसेस हैं ये पॉपुलेशन में बहुत रेयर है, तो पॉपुलेशन में रेयर कैरेक्टर या डिजीज़ की हम लोग बात कर रहे हैं, और एक ही जनरेशन, एक ही मतलब फैमिली में, पहली जनरेशन के बाद अगली जनरेशन में जो फैमिली में इंट्रोड्यूस हो रहा है वो डिफेक्टिव एलील लेके आ रहा है, ये बात भी हजम नहीं होती जब हम लोग ये कह रहे हैं कि वी आर डिस्कसिंग रेयर केसेस, रेयर केसेस की बात करते हैं। तो इसलिए हम लोग ये मान के चलते हैं कि बाहर से जो फैमिली में इंट्रोड्यूस हो रहा है नया फैमिली मेम्बर, वो क्लियर है, वो डिजीज़ का एलील लेके नहीं आ रहा। तो यहाँ पे भी अब आपको ये एज्यूम, एजम्पशन करना पड़ेगा कि वो डिफेक्टिव एलील लेके आ रहा, तभी ये आपकी पेडिग्री फुलफिल होगी। तो ये चीज़ जमती नहीं है, इसलिए ऑटोसोमल रिसेसिव का केस हम कहेंगे नहीं है, ये हमारा कैसा है, ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव का केस है, क्लियर। तो ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव का केस एक डिस्कशन हो गया, अगली पेडिग्री पे आइए। अब इस पेडिग्री में देखिए, मैंने आपसे बोला पेडिग्री आपके सामने आए, तीन जनरेशन यहाँ पर, चार जनरेशन की दे रखी। आप देखिए जो कपल है, ये कपल, ये कपल है, ये कपल है, ये कपल है, ये कपल है, कहीं कोई ऐसा कपल है जिस कपल में डिजीज ना हो, नीचे नीचे प्रोजिनी में हो, कोई ऐसा नहीं। अगर इस कपल में डिजीज नहीं है तो नीचे प्रोजिनी में भी डिजीज नहीं। तो ये कैसा ट्रेट है, ये डोमिनेंट ट्रेट है, और डोमिनेंट रेट में जनरेशन स्किप नहीं होती। हाँ जी देखिए, नहीं होती ना, ये आपकी सेकंड जनरेशन में तीन बच्चों में से दो बच्चों में आ गई ना डिजीज़, अगली थर्ड जनरेशन में फिर से डिजीज़ आ गई, अगली जनरेशन में फिर से डिजीज़ आ गई। तो डोमिनेंट रेट में स्किप नहीं करता जनरेशन, पहली बात। दूसरा, जिन पेरेंट्स में डिजीज़ नहीं दिख रही तो उनके बच्चों में भी डिजीज़ नहीं दिखती, ठीक। तो ये एक सेकेंड में आप समझ गए कि ये डोमिनेंट का केस है, ठीक है जी। अब ये डोमिनेंट में बात ये आती है कि ये एक्स लिंक डोमिनेंट है कि ऑटोसोमल लिंक डोमिनेंट है। तो ये एक्स लिंक डोमिनेंट है, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि फीमेल मतलब मदर अपना एक्स जो है वो सन को भी दे सकती है, डॉटर को भी, लेकिन मेल अपना एक्स, शुरुआत में मैंने बोला था, हमेशा डॉटर को देता है। तो मेल से हमेशा ये देखिए डॉटर में जा रही है, सन दोनों बच गए, ठीक है, लेकिन फीमेल जहाँ पे है फीमेल से दोनों में जा रही है, फीमेल जहाँ है फीमेल से दोनों में जा रही है, मेल से केवल डॉटर में जा रही है, फिर फीमेल एक आई बाहर से, उसने दोनों को दे दिया। तो ये अगर हम लोग ऑटोसोमल मानते,
अगर ऑटोसोमल मानते हैं कि यह ऑटोसोमल डोमिनेंट का ट्रेट है, तो भैया मेल से यहाँ पे आप जैसे ही इसको अपना देते हो, ये कैसे हो गया कि डॉटर को तो चला गया, दोनों बार सन बचे, सन बच गए, ऐसा कैसे हो सकता? ये साइंस में लॉजिकल बात नहीं लग रही कि यार ये मतलब कौन सी, ये बाय चांस वाला मैटर जमता नहीं है, फुल प्रूफ नहीं लगता। होने को हो सकता है लेकिन फुल प्रूफ नहीं लगता। फुल प्रूफ क्या लगता है कि आप इसको दे दीजिए एक्स लिंक डोमिनेंट का ट्रेट दे दीजिए, तो एक्स लिंक डोमिनेंट के ट्रेट में इस पे एक्स पे डोमिनेंट एलील है, नॉर्मल एलील है, तो इसने दे दिया अपना सन को, जब सन बना डोमिनेंट एलील आ गया, वाई नॉर्मल इससे आ गया, इस पे भी डोमिनेंट एलील आ गया और एक एक्स नॉर्मल, तो इस बारी जब इसका बच्चा हुआ तो ये डिफेक्टिव एलील से वाई इसका फ्यूज हो गया, यहाँ डिजीज आ गई। यहाँ इस बार जब ये सन हुआ तो नॉर्मल एक्स और वाई, इस वाले में डिफेक्टिव वाई, डिफेक्टिव एक्स, इससे एक्स आया फादर से, इससे डिफेक्टिव वाला, और इस वाले से नॉर्मल नॉर्मल। ठीक है जी, अब इसके पास एक्स जो था वो डिफेक्टिव है, तो डॉटर जैसे ही हुई एक ही एक्स है, डॉटर पे डिफेक्टिव आ गया, सन पे वाई आने हैं तो सन बच गया, सन में डिजीज नहीं आई, सन को तो वाई प्रोवाइड करेगा ना, लेक्चर के शुरू में ही मैंने बोला, तो सन इसलिए बच गए, सन में डिजीज नहीं है, डॉटर में डिजीज है, ये कारण है। अब ये जो बाहर से आ गई वो भी डिफेक्टिव एलील लेके आई, डिफेक्टिव एलील उसने सन को दे दिया और डॉटर को दे दिया, और दूसरा जो है नॉर्मल है, इसलिए इस पर डिजीज नहीं आई, इस पर डिजीज नहीं आई, ये हो गई आपकी कहानी। तो ये कैसा केस है? ये एक्स लिंक डोमिनेंट का ट्रेट है। ठीक है जी, ये भी डिसाइड हो गया। चलिए आगे चलूँ, तीसरी पेडिग्री पे आइए। विच टाइप ऑफ ट्रेट इज दिस? तो छूटते ही विद इन अ सेकेंड पेडिग्री आई। ये देखिए, यहाँ पे इस कपल में डिजीज नहीं है, नीचे डिजीज है। कैसा ट्रेट है? ये आपका रिसेसिव ट्रेट है, और रिसेसिव में ये एक्स लिंक्ड है कि ये ऑटोसोमल है, ये ऑटोसोमल है। दो सेकंड में आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कैसे भैया? अगर ये एक्सलिंक्ड रिसेसिव होता तो यहाँ पे डिजीज डॉटर में तभी आती, शुरू में ही मैंने बोला, जब दोनों एक्स डिफेक्टिव होते। दोनों एक्स डिफेक्टिव है तो एक एक्स उसको कौन दे रहा? फादर। और फादर पे देखिए डिजीज शो नहीं हो रही। अगर फादर को आप डिफेक्टिव एक्स देते हो तो यहाँ पे डिजीज शो हो रही होती, जो कि नहीं हो रही। इसका मतलब सीधी सी बात है, विद इन मतलब 5 सेकेंड आप इसको, पेडिग्री को कर सकते हैं अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। यहाँ पर डिजीज नहीं है, नीचे डिजीज है, विद इन अ सेकेंड आपने रिसेसिव। अब आपने ये समझा कि डॉटर में डिजीज आ जाए, और अगर एक्स है तो दोनों ही एक्स पर डिफेक्टिव एलील, तो फादर से भी जो एक्स आ रहा डिफेक्टिव, तो फादर पर जैसे ही आप डिफेक्टिव एक्स देते हैं कैरिंग रिसेसिव एलील, तो वो भी अपना इफेक्ट शो कर देता, क्योंकि काउंटर पार्ट वाई है उसका, उसके पास दूसरा एक्स नहीं है कि जिस पर नॉर्मल एलील हो और वो इसको सप्रेस कर दे। तो वो ऐसा हुआ नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये ऑटोसोमल लिंक रिसेसिव ट्रेट है। यहाँ पे जेनेटिक मेकअप ये है, यहाँ पे ये है, इसका ये है, इसका आपका जेनेटिक मेकअप ये है, और बाहर से जो है ये है, यहाँ पे ये बन, और चांस की बात है कि इन लोग का या तो ये या तो ये। क्लियर है? बिल्कुल। तो ये कैसा ट्रेट है? ये ऑटोसोमल लिंक रिसेसिव ट्रेट है। ठीक, आगे चलिए। विच टाइप ऑफ ट्रेट इज दिस? फिर से देखिए, किस तरह का ट्रेट है? कहीं भी कोई ऐसा कपल दिख रहा है जिसमें डिजीज ना हो, नीचे डिजीज हो? नहीं, ऐसा नहीं दिख रहा। तो कैसा ट्रेट है? डोमिनेंट ट्रेट है, और कोई भी जनरेशन मिस नहीं हो रही, डोमिनेंट का ट्रेट है। और ये एक्स लिंक्ड है कि ये आपका ऑटोसोमल डोमिनेंट है। अब ये क्वेश्चन आता है, ठीक है जी, तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है क्योंकि फादर से मेल में जा रहा है, मेल से मेल में नहीं जाती डिजीज। अगर एक्स लिंक्ड होता तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है। कितनी देर लगी? 5 सेकंड। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट का केस हो गया। और ऑटोसोमल में इसको हम दोनों ए डिफेक्टिव नहीं देंगे, वरना इसमें भी डिजीज होती, इसमें भी। तो ये कैसा है? यहाँ पे पोजीशन ये है, इसकी पोजीशन ये है, इसके पास भी पोजीशन ये है, इसके पास भी ये पोजीशन है, इसके पास भी ये पोजीशन है, इनकी पोजीशन ये है, जीनोटाइप। तभी इसके पास एक डिफेक्टिव एलील मदर से आ गया, नॉर्मली आना है दूसरा। इसके पास भी एक डिफेक्टिव एलील मदर से आ गया, दूसरा नॉर्मल, और इनमें ये हो गई कंडीशन। ठीक,
ठीक, ओके, क्लियर, खुल गए आपके ज्ञान चक्षु। आगे चलिए चलिए लास्ट पेडिग्री को डिस्कस करें। इट इज़ अ डोमिनेंट ऑटोसोमल ट्रेट, बता दिया उसने, खुद ही बता दिया कि ऑटोसोमल ट्रेट है, डोमिनेंट है, पेरेंट्स का जीनोटाइप क्या है। तो देखिए छूटते ही इस पर हम डिफेक्टिव एलील, डोमिनेंट में एक भी डिफेक्टिव एलील होगा डिजीज शो हो जाती, तो आपने फादर को ये दे दिया, नो डाउट। अगर तीन तरह का जेनेटिक मेकअप किसी इंडिविजुअल का हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो अगर हम इसको ये देते तब तो परभर की डिजीज़ आ जाती, ये भी देते तो डिजीज़ आ जाती, क्योंकि डोमिनेंट ट्रेट में सिंगल एलील इफेक्ट दिखा देता। इसका मतलब है फादर का जेनेटिक मेकअप ये है, होमोजाइगस रिसेसिव। अब मदर पे आइए, मदर को अगर हम दोनों डिफेक्टिव एलील देते हैं तो ये ना बचता, क्योंकि फिर इसके एग में हमेशा कैपिटल ए, कितने भी एग बनते कैपिटल ए ही होता। तो इसके में मदर का जो जेनेटिक मेकअप है वो ये है, चांस की बात है डॉटर बनी तो एग में डिफेक्टिव एलील था, फादर के पास तो नॉर्मल डिजीज शो हो गई, ये सन बना फिर से ये कंडीशन डिजीज शो हो गई। ये जब सन उत्पन्न हुए भाई साहब तो मदर के एग में नॉर्मल एलील और फादर के स्पर्म में तो नॉर्मल, दोनों जगह स्मॉल ही है, तो यहाँ पर डिजीज शो नहीं हुई। इसका मतलब है मदर का जो जेनेटिक मेकअप है वो आपका, मदर का जेनेटिक मेकअप ये कैपिटल ए स्मॉल है, फादर का स्मॉल है, ऑप्शन नंबर 4। तो ये आपकी प्रैक्टिस मैंने कराई, बातें जो आपने याद रखनी है ऑलरेडी डिस्कस हो गई। अब आपको याद रखना है कि हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, ये आपके एक्सलिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है, फिनाइल कीटोनूरिया, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया और आपका सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये आपके कैसे ट्रेट है, ये आपके ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है। इतना और याद रख लीजिएगा, क्योंकि कई बार वो पेडिग्री दे के पूछ लेता है इनमें से कौन सी कंडीशन में पेडिग्री लागू नहीं होगी, मतलब उसने ये पेडिग्री दी आपको कोई भी पेडिग्री और पूछा ये डिजीज़ और चार डिजीज़ दे दी कि कौन सी डिजीज़ के लिए पेडिग्री फुलफिल नहीं करती क्राइटेरिया, सीधी सी बात है। अब आप उसको सन लगा ही लेंगे, आप सबसे पहले पेडिग्री क्रैक कर ली कि किस तरह का ट्रेट है। अगर देखा आपने ऑटोसोमल रिसेसिव है तो कलर ब्लाइंडनेस या हीमोफीलिया साथ में दिया, उस पर वो लागू नहीं होगी। अगर ऑटोसोमल डोमिनेंट का ट्रेट दे रखा है तो उसमें आपको जो सजेशन वो दे रहा होगा वो पूछेगा कि इनमें से कौन से किस पे लग जाएगा, मतलब कौन सी बीमारी के लिए ये है। तो आपकी एक ही बीमारी आपकी एनसीईआरटी में दे रखी है डोमिनेंट की मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, तो उसके लिए हो गया। इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप अगर यहाँ तक आ गए तो आपको वीडियो ठीक ही ठाक लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मिलते रहिए मुझसे इस तरह के और कॉन्सेप्ट्स के लिए। मिलता हूँ ब्रेक के बाद, टिल देन गुड लक, गुड बाय। नीट की अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए, थैंक यू।